नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल सरकारी नौकरी पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आप एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए एयरपोर्ट में सीधी भर्ती आ गया है। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप किसी भी राज्य से हो, ऑल ओवर इंडिया मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ केवल ही केवल अगर आप 10वीं पास या तो फिर 12वीं पास की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपको सैलरी मिल जाएगा 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे जो दोस्तों वैकेंसी है, कस्टमर सर्विस एजेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों 2020 का सबसे बड़ी भर्ती है। जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे IGI एयरपोर्ट की तरफ से आया, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से आया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो भी यहाँ पे वैकेंसी आया है एयरपोर्ट की तरफ से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए डेली के डेली बेसिस पे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट लेके आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो वैकेंसी आया है IGI एविएशन दिल्ली रिक्रूटमेंट 2020, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से वैकेंसी आया है। यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी है दोस्तों, कस्टमर सर्विस एजेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 590 है। अप्लाई मोड जो दोस्तों ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा अक्रॉस इंडिया में। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें, हु कैन अप्लाई ऑल ओवर इंडिया, दोस्तों अगर आप किसी भी राज्य से हो, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, आपका रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी की दोस्तों, यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाएगा 15,000 से लेके 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी है उसका जो एज लिमिट रखा गया है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे 30 साल रखा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको एज में छूट मिल जाएगा SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करने के लिए फीस रखा गया है फॉर ऑल कैंडिडेट, यहाँ पे 350 रुपए रखा गया है। यहाँ पे SC ST OBC जनरल सभी के लिए यहाँ पे 350 रुपए आपका फॉर्म फिलअप फीस रखा गया है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन पे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, दोस्तों यहाँ पे केबल केवल अगर आप 12वीं पास किए फ्रॉम एनी बोर्ड तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे केबल केवल 12वीं अगर आपने की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में दी गई है कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट डेट जो रखा गया है 30 दिसंबर को रखा गया है। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 30 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पे इसका ऑफिशियल अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।